नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर। वक्त हो चला है सोशल मीडिया पंच का। आपको पता है क्या कि सोशल मीडिया पे इस समय कौन से मुद्दे ज्यादा वायरल हो रहे हैं? जी हाँ, आपको आज हम दिखाएंगे ऐसे ही कुछ खबर जो इस समय सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए है। इस समय सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है और बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दे में से एक है, वो है मणिपुर घटना। आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, तब से लेके अब तक बस ये मुद्दा सोशल मीडिया पे धमाल मचाया हुआ है। अब जबकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में ये घटना का सामने आना कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके छवि के ऊपर बुरा असर भी डाल सकता है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर लगातार राजनीति की जा रही है और नेता से लेकर अभिनेता तक इस मुद्दे पर लगातार अपना दुख जताते नजर आ रहे हैं। जैसे अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं हेमा मालिनी का, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, आप खुद देखिए। डिस्कशन तो होना चाहिए और होगा भी जरूर। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है, बहुत ही खराब, इतना घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है। इसको सुन के तो एकदम घृणा होती है कि ऐसे महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। सो द प्रॉपर थिंग्स विल बी टेकन केयर। तो जैसा देखा आपने कि हेमा जी ने क्या कुछ कहा इस मणिपुर घटना के बारे में, लेकिन अभी तो रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मणिपुर में लगे इस आग में अभी बहुत लोग जिन्होंने दुख जताया है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का भी वीडियो आपके सामने, ये देखिए वीडियो। Today, before the commencement of the parliament session, monsoon session, Honorable Prime Minister has himself given a statement as to how the nation hangs its head in shame for what has happened in Manipur. It is a serious issue as it is, a sensitive issue as it is, that Manipur was going through and all communities were suffering. At that time, for having this kind of incident, really hurts every one of us, and there's no word with which we can explain or try to address the issue. The perpetrators will have to be caught. Some arrests have been made yesterday, and I'm sure no effort will be left unaddressed in getting punished, these people punished. But as it is, I wish the state, it's such a beautiful state, lovely people, Manipur will have to come out of this crisis, and I honestly do think all of us will have to put our efforts to get that state back. उसके बाद आते हैं आप नेता राघव चड्ढा, उन्होंने कुछ कहा मणिपुर हिंसा के बारे में, आपको दिखाते हैं उनकी ये वीडियो। देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है, और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है, और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियंस और आत्मा झंझोड़ी गई है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था, ट्वीट करके उन्होंने खुद कहा था, उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, Those who cannot ensure peace in the state have no right to govern Manipur, says Prime Minister. ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आवाहन देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आए, इस पर बयान दे और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है,
हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और वो बहस कराने से भाग रही है। ये बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा कि आज हम सबका और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संज्ञान लेते हुए आज से ही मणिपुर पे बहस शुरू हो और मणिपुर में जल्द से जल्द एक डिसक्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में उसे बर्खास्त किया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल मणिपुर में 4 मई को हुई महिलाओं की निर्वस्त्र करने और दुर्व्यवहार करने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। करीब 2 महीने तक इस घटना से देश अनभिज्ञ था, लेकिन 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और हंगामा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने इंटरनेट की वजह से माहौल बिगड़ने की बात कही है। अब ऐसे में लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए ये वसुंधरा राजे के वीडियो को। ऐसी स्थिति आज हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर ये अकेले ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि गृह मुख्यमंत्री के घर के 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर के अंदर 10 साल के बेटे के सामने एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डलाकर जलाया जाता है। करौली के अंदर आपने कुछ ही समय पहले ये बात निकल के आई थी, एक दुष्कर्म होता है, उसको गोली मारी जाती है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है और फिर उसको कुएं के अंदर फेंका जाता है, उसकी बॉडी कुएं से रिकवर होती है। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए एक सिख बच्ची के साथ अलवर के अंदर गैंग रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। पर उससे और खराब एक बच्ची जो रियली भयावह है, दलित युवती के साथ गैंग रेप करके, जिसमें बताते हैं पुलिस वाले भी शामिल थे, वो बेचारी गूंगी थी, बहरी थी। मने आप ये समझिए कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो इस प्रदेश का क्या हाल आगे चल के होने वाला है। मणिपुर के जिस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद देश भर में इस घटना के खिलाफ गुस्सा था, वहीं अब आरोपी के खुद के समुदाय के लोगों ने भी खुलकर आरोपियों की खिलाफत कर रहे हैं। महिला के साथ बर्बरता करने वाले मैतेई समुदाय के लोग हैं और उसके घर को आग लगाने वाले भी मैतेई समुदाय के ही लोग हैं। सोशल मीडिया बवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।